बेवजह घर से निकलने की जरूरत क्या है, मौत से आंख मिलाने की जरूरत क्या है, जिंदगी बहुत कीमती है इसे संभाल के रख, कब्रगाहों को सजाने की जरूरत क्या है, सबको मालूम है बाहर की हवा है कातिल, यूं ही कातिल से उलझने की जरूरत क्या है, दिल बहलाने के लिए घर में वजह है काफी, यूं ही गलियों में भटकने की जरूरत क्या है। पूरे परिवार की सुरक्षा आपकी समझदारी है, अभी बहुत उम्र बाकी है सैर सपाटे के लिए, इतनी जल्दी घबराने की जरूरत क्या है। रायगढ़ जिले के कलेक्टर भीम सिंह तथा पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार सिंह ने 24 जुलाई को शाम 6 बजे से पैदल रायगढ़ शहर के प्रमुख व्यवसायिक क्षेत्रों एवं बाजारों का निरीक्षण किया। इस दौरान जो भी दुकानें खुली पाई गईं, उन पर अर्थदंड लगाते हुए दुकानें बंद कराई गईं तथा दोबारा तय सीमा के बाद दुकान संचालित नहीं किए जाने की सख्त हिदायत दी गई। इस दौरान कलेक्टर श्री सिंह ने कहा कि कोरोना संक्रमण के रोकथाम के लिए शहर में दुकानों के संचालन हेतु प्रातः 10 बजे से शाम 6 बजे तक का समय निर्धारित किया गया है। आज बाजारों का भ्रमण किया गया जिसमें यह देखने को मिला कि लोग तय सीमा के पश्चात भी व्यवसाय कर रहे हैं और उनकी दुकानें बंद करने की तैयारी भी नहीं दिखी। ऐसे दुकानों पर जुर्माना लगाते उनको बंद कराया गया और भविष्य में ऐसा न करने की सख्त हिदायत दी गई। उन्होंने आगे कहा कि प्रदेश के अन्य शहरों में लॉकडाउन लगाया गया है किंतु रायगढ़ शहर के दुकानों के संचालन के समय ही परिवर्तन किया गया है, अतः लोगों से आग्रह है कि शासन प्रशासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पूरी गंभीरता से लें। दुकानों के संचालन के लिए शाम 6 बजे तक का समय निर्धारित है, अतः इस समय तक दुकान बंद कर लेवें। इसके साथ ही अनिवार्यतया मास्क लगाएं व सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी करें। कलेक्टर श्री भीम सिंह ने यह भी कहा कि जो भी नियमों का उल्लंघन करेगा उस पर जुर्मानों के साथ कानूनी कार्रवाई भी होगी। इसके लिए विभिन्न कर्मचारियों को अधिकृत किया गया है, वे शहर के अलग अलग इलाकों में निरीक्षण कर निर्देशों का पालन न करने वालों पर कार्रवाई करेंगे। कलेक्टर व पुलिस अधीक्षक के निरीक्षण के दौरान गैलेक्सी मॉल से होते हुए गांधी पुतला चौक से श्याम टॉकीज रोड पुरानी हटरी से होकर सुभाष चौक से होते हुए केजीएच हॉस्पिटल तक निरीक्षण किया। इस दौरान नगर निगम आयुक्त श्री आशुतोष पांडे भी अपने अमले के साथ मौजूद रहे। रायगढ़ से ब्यूरो रिपोर्ट, आरजे रमझाझर।